आप सुन रहे हैं किसान तक पॉडकास्ट गुड़ की डली, हर सुबह एक मीठी बात। नमस्कार, मैं हूँ संध्या बिष्ट और आज की मीठी बात जुड़ी है बिजली को लेकर। घर हो या फिर खेती, बिजली का इस्तेमाल तो हर जगह किया ही जाता है। ज्यादातर किसान बिजली पर ही निर्भर रहते हैं क्योंकि खेती में सिंचाई करने के लिए बिजली की जरूरत पड़ती है। ऐसे में यूपी के किसानों के लिए प्रदेश सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। बता दें कि किसानों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति देने के लिए विद्युत की ढांचागत व्यवस्था में सुधार किया जा रहा है। किसानों के 5001 कृषि फीडरों को पर्याप्त बिजली मिले, इसलिए उन्हें अलग किया जा रहा है। इसको लेकर कृषि मंत्री का कहना है कि 31 मार्च 2023 के पहले के नलकूप के बिलों के अधिभार में छूट देने के लिए योजना लाई जाएगी। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने संकल्प की सिद्धि कार्यक्रम में उपस्थित किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि योगी सरकार ने चुनाव में किसानों को मुफ्त बिजली देने के वादे को पूरा किया है। अब 1 अप्रैल 2023 से किसानों के निजी नलकूपों के बिजली बिलों को माफ कर दिया गया है। साथ ही इसके पहले के बिलों के अधिभार में छूट की योजना भी लाई जाएगी। बिजली की व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के बाद यह व्यवस्था की गई है। शीघ्र ही किसानों को इसका लाभ मिले, इसके लिए रोड मैप बनाया जाएगा। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के दौरान घोषणा की थी कि किसानों को उनके निजी नलकूपों पर 100% छूट दी जाएगी। उसी घोषणा के अनुरूप मंत्री परिषद ने अपना वादा निभाते हुए छूट से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। उन्होंने बताया कि राज्य में लगभग 14,73,000 ग्रामीण नलकूप है, जबकि 5,188 शहरी नलकूप है। शर्मा ने बताया कि मेरे पास खुद भी ट्यूबवेल है और इसी आधार पर हम कह सकेंगे कि एक ट्यूबवेल से 8 से 10 किसान लाभान्वित होते हैं, जिसकी खेती तक पानी पहुंचता है। इस तरह लगभग 1.5 करोड़ किसानों को इस योजना से लाभ होने वाला है। प्रति किसान यदि 5 सदस्यों के परिवार की गणना करें तो लगभग 6 से 7 करोड़ लोग इस योजना से लाभान्वित हो सकेंगे। उन्होंने बताया कि प्रस्ताव के तहत किसानों को 100% छूट देने का निर्णय लिया गया है। किसानों को अब कोई बिल देने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके पहले यदि कोई बकाया है तो उसके लिए हम ब्याज रहित योजना लेकर आएंगे और उसका भी क्रियान्वयन आने वाले दिनों में किया जाएगा। खेती किसानी की उम्मीद भरी ऐसी ही और खबरों के लिए आप सुनते रहिए हमारा डेली पॉडकास्ट गुड़ की डली।